सो हेलो टू ऑल द लवर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जितने लोग जो इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं उनके लिए मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। द नेम ऑफ द बुक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, द अनफोल्डिंग ऑफ लैंग्वेज। येस, आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक। मैंने ये किताब लिखी है। इस बुक में क्या है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अगर आप लोग इंग्लिश सीखते हैं, जैसे अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसकी डिटेल मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दूंगा। अगर आप इंग्लिश की ग्रामर में आपको प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप सिंपल स्पोकन रिटन इंग्लिश इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, आपको ये समझ नहीं आता कि भाई कौन सी बुक मार्केट से ली जाए। वैसे तो देखिए, सबसे अच्छी जो ग्रामर की बुक है पिछले 100 ईयर्स में वो रेनन मार्टिन है। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेनन मार्टिन स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखी जाती और नहीं लिखी गई है, वो तो टीचर्स के लिए है। टीचर्स उससे अपना होमवर्क प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को देते हैं। अब अगर स्टूडेंट रेनन मार्टिन पढ़ ले तो फिर उसको तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उस बुक से और कई बुक से अपने प्रैक्टिकल मेरे 17 साल का जो एक्सपीरियंस है मैंने उसको सिंपल तरीके से इस बुक में प्रेजेंट किया है। ये बुक दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, बायलिंगुअल है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो देखते हैं बुक में, हमने बुक की जो शुरुआत की है ये प्रिफेस है बुक का। तो इसके बाद अगर हम जैसे आगे जाते हैं तो ये कंटेंट आपका सारा आ गया कि इंग्लिश सीखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आई होप कि आपको दिखाई दे रही हूँ। तो उसमें देखिए क्या है। देखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि पहले आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे लोग पहले नाउन प्रोनाउन इसी में ही 6 महीने बिता देते हैं। अगर आप इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो गड़बड़ है। सबसे बढ़िया तरीका है पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाइए, जो कि बहुत डिटेल की चीज़ है। तो जो सीखने का सही मेथड है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर डिटेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे बुक के अंदर जो कंटेंट है वो है, लेकिन ये तो आप खरीद के देख सकते हैं। देखिए, इस बुक की हमने शुरुआत की है शुरू में वर्ब से। अगर ग्रामर की बात करें तो 80% ग्रामर जो है वो वर्ब की वजह से ही कंफ्यूजिंग है। अगर एक स्टूडेंट को सही से वर्ब्स आ जाएं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। इस बुक में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको दिए हैं। आप तो जानते हैं कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, लेकिन कई स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होती है कि किस वर्ब में एस या ई एस। आपको पता है साउंड का बहुत चक्कर होता है इसमें, स्पेलिंग्स का बहुत चक्कर होता है। कई तो स्पेलिंग इतनी बदलती हैं आई एन जी लगते समय या एस या ई एस लगते हुए। तो हमने स्टूडेंट के लिए ये चीज़ ईजी कर दी कि उनको सारी चीज़ एक ही जगह दे दी। और इस बुक में 1000 वर्ब्स दी गई हैं। ये 1000 वर्ब्स वो हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आप अगर मान लीजिए एक अच्छे राइटर के पास 5000 वर्ड होते हैं, और आप सोचिए अगर 1000 वर्ड्स आपको बुक के शुरू में मिल जाए, और ये तब जब आप इसको रोज 20 20 20 हम अपनी क्लासेस में याद करवाते हैं। आप इसको करते रहिए और आप देखिए कि आपकी इंग्लिश में कितनी जल्दी फ़र्क आता है। आपको ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से स्पेलिंग जब कटती है तो ing, जैसे स्टडी की स्पेलिंग में ies लगेगा, या जैसे अगर हम कोई वर्ड लेते हैं रीड तो रीड में कैसे होगा, या कई ऐसी स्पेलिंग्स हैं तो आप उनको यहाँ बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो ये 1000 स्पेलिंग्स जो हैं इसके अंदर हमने अच्छे से दी हुई है। तो ये आप स्पेलिंग्स के साथ वर्ब्स 1000 वर्ब्स पे आप चले जाइए। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। इस बुक की जो सबसे खास फीचर है, वो ये है कि इसमें टेंसेस, जो जनरली ग्रामर की बुक में क्या होता है कि ग्रामर की बुक में आपको सीधे ही ग्रामर सिखा दी जाती है, हमने इस तरह से अप्रोच नहीं रखी। हमने ग्रामर की बुक में क्या किया है, एक स्टोरी क्रिएट की है कि स्टोरी से पहले आपको पता हो कि वो टेंस का इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पे जैसे एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक दिन मेरे चाचा जी मेरे घर आए और उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा मैं टेंस पढ़ रहा हूँ। तो ये कहानी इस तरह से चलते जाती है और कहानी के लास्ट में जाके आता है कि चाचा जी कहते हैं ओ तुम टेंस पढ़ रहे हो, जरा मुझे बताओ कि अपनी दिनचर्या कौन सी टेंस में बताते हैं। अब बच्चा यहाँ बैठ के कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा है मैंने सोचना शुरू किया कि किस टेंस में आता है और क्यों आता है।
तो उसने सोचना शुरू किया कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, माँ मुझे पहले डांटती है फिर उठाती है। उसने सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में वो कौन सा टेंस है इसका इस्तेमाल करना सीखा। जब वो ये चीज़ें सीखता है तो हमने फिर उसके बाद टेंस की पहचान बतानी शुरू की है। यहाँ से हम टेंस शुरू करते हैं, तो पहले आप कहानी से टेंस में आइए। अगर आपका देखिए बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता टेंस का तो आप टेंस में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमने इसमें क्या किया है कि पहले हम कहानी क्रिएट करते हैं, कहानी आपको समझ में आ गई, आप उस कहानी से को रिलेट होते हैं, उसके बाद अब टेंस की पहचान है। यहाँ से शुरू होता है, जैसा आप जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको आप कहते हैं, कि सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि से समाप्त हो जो वो घटनाएँ वो चीज़ें। तो हमने पहले एक पेज पे तो इसकी कहानी पिक्चर के साथ चीजें समझाई, उसके बाद फिर हमने यहां से शुरू किया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं रूल में, फिर हमने यहां पे रूल को अच्छे से समझाया, रूल आपको समझा दिया गया, रूल के बाद हमने सेंटेंसेस यहां पे लिखे हैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। ये वही 1000 वर्ब में से वर्ब्स ली गई हैं जो आप पीछे पढ़ रहे हैं, और उसी सीक्वेंस में है कि ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये पहले 10-15 में होंगी। तो ये हमने वर्ब्स ली सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, तो हमने पॉजिटिव किया, फिर नेगेटिव सेंटेंस कराया, फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में ही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कराए, और फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में शुरू में क्या करना होता है, जो आप करते भी होंगे अगर आप कहीं इंग्लिश सीखते हैं, आप ट्रांसलेशन करते हैं, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में। हमने इसमें दोनों ही चीज़ें दी हैं। एक तरफ से तो हमने स्टूडेंट को कहा कि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। कई बार ट्रांसलेशन करते समय आपके पास वर्ड ही नहीं है, अब आप वर्ड के लिए फिर परेशान होंगे, तो हमने हिंदी की ट्रांसलेशन के साथ हमने क्या किया है कि साथ में वो इंग्लिश की वर्ब भी आपको दे दी है कि आपको वर्ब का इस्तेमाल समझ में आ जाए, आपको वर्ब के लिए पीछे ना देखना पड़े, आप फटाफट यहाँ से समझ जाएं कि एकदम से अगर सेंटेंस लिखा है क्या रात में चांद दिखाई पड़ता है, अब आप सोचेंगे यार दिखाई पड़ने की वर्ब क्या होती है, तो मैंने यहीं पे ही ब्रैकेट में आपके लिए लिख दिया दिखाई पड़ना अपीयर, ठीक है। तो आपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब दूसरी तरफ आते हैं इंग्लिश से हिंदी, ये भी आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पे दोनों ही ट्रांसलेशन लेके चलनी पड़ती है, हमें हिंदी से भी इंग्लिश में जाना होता है और इंग्लिश से भी हमें हिंदी में आना होता है। तो इस बुक में जितनी एक्सरसाइजेज हैं सभी एक्सरसाइज इसी तरीके से दी गई हैं, आप हिंदी से इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश से हिंदी करें तो आपकी लैंग्वेज पे पकड़ होती है। इस बुक में एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें हमने लगभग 350 वर्ड्स जो जिनको इंग्लिश में कहते हैं जार्गन्स, जार्गन्स का मतलब होता है सो कॉल्ड हाई फाई वर्ड्स। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें हाई फाई वर्ड बोलना पसंद है, हमें ऐसा वर्ड बोलना चाहते हैं जो किसी को समझ में ना आए, तो इसके लिए हमने हर पेज के लास्ट में एक दिया है वर्ड एट ग्लांस। तो वर्ड एट ग्लांस में क्या होता है, वर्ड एट ग्लांस में हमने वो वर्ड लिखे हैं जो वर्ड जनरली लोग नहीं जानते या जिन वर्ड का सबसे कम इस्तेमाल है। जैसे फर्स्ट पेज पे ही एक वर्ड है, आप वर्ड जानते होंगे एक्साइट, आप कहते हैं ना आई एम वेरी एक्साइटेड, आप एक्साइटेड का कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है कि स्वाश बकलिंग, तो आई फील स्वाश बकलिंग अबाउट इंग्लिश, आप में से कितने लोग इस वर्ड को जानते हैं कि इम्पोस्टर, कि ओ जैसे इम्पोस्टर जो दिखावटी हो जो पाखंडी हो, तो हम हिपोक्रेट वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमने इसके लिए यहाँ पे इम्पोस्टर वर्ड यूज़ किया। तो ऐसे हमने बहुत सारे, जैसे अगर आप बोलें यार आई एम कन्फ्यूज्ड, तो कन्फ्यूज के लिए आपने एक यहाँ पे जार्गन वर्ड सीखा आई एम फ्लैबरगास्टेड। तो इस तरह से हमने इसके अंदर लगभग 350 से 400 वर्ड हर पेज पे नीचे दिए हैं जिन वर्ड्स को आप जार्गन्स कहते हैं, और ये जार्गन वर्ड्स आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। दूसरा, अगर आप किसी एसएससी या इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में या बहुत सारी चीज़ों में आते हैं, ये वर्ड ऑलमोस्ट वहाँ से ली गई है। तो आई एम श्योर कि आपको ग्रामर वाला पार्ट क्लियर हो गया। दोबारा से एक बार मैं ग्रामर पे लेके चलता हूँ। देखिए ग्रामर सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने ग्रामर सीखी लेकिन ग्रामर की अगर आपने सही प्रैक्टिस नहीं की तो वो फिर यूजलेस है। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हमने यहाँ पे आपसे पूछना है अपना डेली रूटीन। तो डेली रूटीन का एक चैप्टर यहाँ पे हमने पूरा आपको एक चैप्टर दिया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली रूटीन का चैप्टर आ गया। तो डेली रूटीन के चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, वो जो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एक बना के दी हैं। तो जैसे मैं आपको एक दो लाइन पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग आफ्टर अ वॉश, आई गो आउट फॉर अ वॉक, आई वॉक फॉर मोर देन 2 kilometers, द मॉर्निंग वॉक गिव्स मी न्यू एनर्जी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है। आप इसको ट्रांसलेट करें, पढ़ें, तो कल को अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया तो आप अपना डेली रूटीन बताने के लिए हमने हर चैप्टर के बाद एक कहानी दी है। तो इस बुक में ऑलमोस्ट 60-70 स्टोरीज हैं, उन 60-70 स्टोरीज में अगेन ऑलमोस्ट 500 इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आपकी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे ये भी बता दूँ कि हमारी इस बुक में लगभग 2000 के आसपास वर्ड्स हैं। तो आप अगर ये वाली चीज़ यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको एक तो बोलना आएगा, समझना आएगा कि टेंस सीखा और टेंस सीखते ही कैसे उसका इस्तेमाल करना है, एकदम से आपने उसके बाद स्टोरी की। फिर आते हैं, हमने हर स्टोरी के बाद जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ड एट ग्लांस, तो यहाँ पे फिर दोबारा से वो जार्गन्स आ गए, जो जार्गन्स की आपको ज़रूरत है, जो हाई फाई वर्ड्स की ज़रूरत है वो वर्ड्स आ गए। और अगर स्पेस बचा हुआ है तो हमने वहाँ पे छोटे छोटे इंग्लिश में जो रिनाउंड ऑथर्स हैं उनका कोई जोक, उनकी लाइफ की कोई स्टोरी, कोई इंस्पिरेशनल चीज़ ये डाली है, ताकि जो एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि इंग्लिश पढ़ते समय वो हमेशा पूछते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ें, तो वो एकदम से जाके द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर खरीद लेते हैं, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर या चेतन भगत जैसी अगर आप किताबें एकदम से बड़े लेवल की खरीदते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमने यहाँ बच्चों की कहानियाँ शुरू से डाली हुई हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा कहानियों का लेवल भी बढ़ता जाता है, कहानियाँ टफ होती जाती हैं। इस बुक के एंड में एंटनी चेकफ, जो कि रशियन शेक्सपियर जिनको कहा जाता था, हमने उनकी कहानियाँ तक डाली हैं। हमने इसके अंदर इंडियन जो सबसे बेहतरीन राइटर हैं जैसे आर के नारायणन, खुशवंत सिंह, हमने इनकी कहानियाँ डाली हैं और विद परमिशन पब्लिशर्स, आपको ये बता दूं। तो ये चीज़ें अगर मतलब आप जैसे पढ़ते जाते हैं फिर आपका दूसरा टेंस शुरू हो जाता है। तो एक टेंस के बाद आपने क्या किया, कहानी से आपने उस टेंस को और स्ट्रेंथन किया, आपने जो जार्गन वर्ड्स थे उस दिन के 10 वर्ड हर पेज पे हैं आपने वो 10 वर्ड सीख लिए, फिर उसके बाद दूसरी कहानी इसी तरीके से एक टेंस को इंडिकेट करते हुए आपको टेंस को बताते हुए आती है। जैसे ही आपने किया फिर दोबारा से आपकी एक्सरसाइजेस आ गई, एक्सरसाइजेस के बाद कहीं कहीं बीच में फिर आपको देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पे आप एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस, तो आप कुछ चीज़ें आपको ब्रॉड अप करेंगी ये कि आपको पता रहेगा कि अरे यार जब भी काइंड वर्ड बोलते हैं तो काइंड के साथ ऑफ कैसे लगाते हैं, वो अगर मेड बोलते हैं तो मेड के साथ ऑफ कैसे लगाते हैं, जेलस बोलते हैं तो जेलस के साथ ऑफ कब लगता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं। फिर आपका यही सब आ गया वर्ड ऑफ द ग्लांस और फिर एक कहानी आ गई जो आपको पिछले टेंस से कनेक्ट करेगी और आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो इन सभी बातों की इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बुक की प्राइसिंग जो है ये मैं आपको बता दूं, जो बुक की प्राइसिंग है वो 615 रुपीज़ है, लेकिन अभी हम इसको कुछ डिस्काउंटेड उस पर दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो इस नंबर पे प्लीज़ कॉल कीजिए और ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बच्चे इसे मंगवा सकते हैं। जो कुरियर चार्जेस है वो आपको बेयर करना होता है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, समझनी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप कीजिए, या बेस्ट तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन 24 घंटे चलते रहते हैं। और लास्ट में बस मैं इस वीडियो के ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी बैठे हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप किसी भी गांव में कहीं भी बैठे हैं और आपको ये ड्रीम है कि दिल्ली के जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है हमें वहाँ जाके पढ़ पाते, अच्छे क्वालिफाइड टीचर से इंग्लिश सीख पाते, एक्सपीरियंस टीचर से इंग्लिश सीख पाते, तो मैं आपके घर में आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और ये बहुत नॉमिनल चार्जेस पे चल रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस। तो आप उसके लिए कॉल कीजिए, कॉल करके पता कीजिए, डेमो क्लास के लिए एनरोल कराइए और
इन्जॉय कीजिए। इंग्लिश सीखना अब आपके लिए ये कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं होगी। इसके लिए कोई बहुत हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कोई बड़े स्कूल में ही जाके आप इंग्लिश सीखें, अब ये ऐसा नहीं होता। आप जहाँ हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, आप किसी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप गांव में रहते हैं, अगर आप में जोश है, जुनून है और आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखें, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। आई होप दैट दिस एफर्ट्स ऑफ माइन, अ स्मॉल एफर्ट्स ऑफ माइन विल बी अप्रिशिएटेड विद योर कॉमेंट्स एंड लव। प्लीज डू राइट एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फील इट्स यूजफुल, शेयर इट विद अदर पीपल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। Anything about that Sunday thing also which we did, what's your opinion about it? First I want to know. I have a slightly different opinion. The person who impressed me very much with talk is Sunil. And please do share this information with someone who is in need. Maybe someone is looking for this kind of online class. If it is possible, please share this information with them. Thank you so much.